स्टैंडर्ड 7 चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आगे हम देख चुके हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, अब इसके बाद देखेंगे आगे प्रोसेस के अंदर। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है किसके अंदर होती है। लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। लीव्स है वो प्लांट्स की फूड फैक्ट्री, मतलब उसके अंदर खाना बनता है। सिंथेसिस ऑफ द फूड इन प्लांट्स अकर इन लीव्स। जो फूड बनने की जो प्रोसेस है वो लीव्स के अंदर होती है। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट बी रीच देयर, मतलब कि उधर सब रॉ मटेरियल पहुँचाया जाता है। वाटर मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाई रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। जो सॉइल के अंदर वाटर न्यूट्रिशन होता है वो रूट्स के थ्रू लीव्स के अंदर पहुंचाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव। जो टाइनी पोर्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड है वो लीव्स के अंदर जो टाइनी पोर्शन होता है जिसे स्टोमाटा बोलते हैं उसके अंदर से एब्जॉर्ब किया जाता है। द पोर्स आर सराउंडिंग बाय गार्ड सेल, सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। जो स्टोमाटा है वो प्रोटेक्ट होता है किससे, तो कि सराउंडिंग एरिया के अंदर गार्ड सेल होता है जो उसको गार्ड करते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल विच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट द स्टीम द ब्रांच एंड द लीव्स। They form a continuous path or passage for the nutrition to the reach of leaf. तो वो सभी किसके थ्रू, जो स्टीम होती है, ब्रांचेस होती है, लीव्स होती है, उसके थ्रू वो न्यूट्रिशन लीव के थ्रू पहुँचाया जाता है। You will learn about transportation in material in chapter number, आगे के स्टैंडर्ड चैप्टर के अंदर हम सीख लेंगे वो। The leaves have a green pigment that's called chlorophyll. लीव के अंदर क्लोरोफिल होता है जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इट्स हेल्प लीव टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट, वो सनलाइट में से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसिस मींस प्रिपरेशन ऑफ फूड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर दो चीज़ जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये जो फूड सिंथेसिस की प्रोसेस है वो सनलाइट के होती है तभी होती है, नाइट के टाइम के अंदर वो नहीं हो पाती। दैट्स कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब कंबाइन। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट ऑफ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उस प्रोसेस के अंदर तीन चीज़ ज़रूरी है, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इट इज़ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर वो यूनिक प्रोसेस है, दूसरी कोई प्रोसेस इस जैसे नहीं है। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर बाई द लीव्स एंड स्टोर इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। Thus, sun is ultimate source of energy for all living organism. जो sun है वो ultimate source for all living organism, जो भी जिंदा चीज़ है उसके अंदर ज़रूरी source है energy का। Can you imagine the earth in the absence of photosynthesis? जब photosynthesis की process ना हो earth पर तो क्या होगा, तो कुछ भी खाने के लिए कुछ भी चीज़ नहीं बन सकती। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी प्लांट। द सर्वाइव ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। जो फूड है वो प्लांट्स बनाते हैं उसके ऊपर ही सभी डिपेंडेंट रहते हैं। बिसाइड द ऑक्सीजन